नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म की। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड क्या होती है और इसके हार्मोन्स क्या होते हैं। दोस्तों, थायरॉयड ग्लैंड हमारे शरीर में बटरफ्लाई सेपेड एक छोटी सी ग्लैंड रहती है जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट रहती है। नेक में हमारा जो विंड पाइप है उसके फ्रंट में प्रेजेंट रहती है, यानी हमारे नेक के आगे की साइड में प्रेजेंट रहती है। ये T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करती है, हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। दोस्तों, ये हार्मोन्स कैसे रिलीज करती है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, आइए ये जान लेते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे TRH हार्मोन बोलते हैं। ये TRH हार्मोन आकर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज करवाता है TSH हार्मोन को। TSH हार्मोन आकर एक्ट करता है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर, और ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज करवाता है T3 और T4 के लिए। ये T3 और T4 जो हार्मोन है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हार्मोन है, यानी कि आवश्यक हार्मोन है। उसी प्रकार से जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो जो फीटस रहता है, फीटस के ब्रेन को डेवलप कराने के लिए T3 और T4 हार्मोन का बहुत रोल रहता है, यानी कि ये जो थायराइड हार्मोन है वो फीटस के ब्रेन को डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म किस कंडीशन को कहते हैं। जब थायराइड हार्मोन का लेवल हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में कम हो जाता है एक नॉर्मल रेंज से, उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यानी कि T3 और T4 का लेवल जब हमारे शरीर में कम हो जाता है उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और एक सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है उस कंडीशन में TSH का लेवल ज़्यादा हो जाता है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में TSH हार्मोन निकलता है हमारी एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकला और वो एक्ट कर रहा है कि कहाँ एक्ट करता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में एक नेगेटिव फीडबैक जाना चालू हो जाता है हमारे हाइपोथैलेमस के लिए और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक जाएगा और वो वहाँ से ज़्यादा TSH को रिलीज कराएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेगी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो। लेकिन थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर पा रही है उस कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर TSH का लेवल हाई हो जाता है और T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है। एक अगली कंडीशन आती है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फेल हो जाती है, यानी कि वो वहाँ से प्रॉपर मात्रा में TSH हार्मोन को ही नहीं निकल पाती है, जबकि हमारी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल है, थायराइड ग्लैंड अपना काम कर रही है, लेकिन उसको स्टिमुलेशन नहीं मिला उस कारण से वो T3 T4 को नहीं निकाल पाती। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ सकती है, देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, या फिर इन्फेक्शन वहाँ पे कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या वहाँ की कोई जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार की अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ से प्रॉपर मात्रा में TSH हार्मोन ही नहीं निकल पाएगा। या फिर वहाँ पर कोई प्रकार की रेडिएशन थेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका काम हो जाए, जब काम नहीं कर पाए अपना पूरी तरीके से, फेल हो जाए उसका काम, यानी कि वहाँ से जो उसको जो TSH निकालने का काम है वो TSH ही नहीं निकाल पा रही है। अगर वहाँ से TSH नहीं निकल पा रहा है तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेशन नहीं मिल पाएगा। अगर उसको स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण से T3 और T4 का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा TSH का लेवल भी कम होगा और साथ में T3 और T4 का भी लेवल कम होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या हो सकते हैं। कारण की अगर हम बात करें तो ऑटोइम्यून डिजीज, अगर कोई किसी प्रकार की कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे हाशिमोटो डिजीज, अगर किसी इस प्रकार की अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज है उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। आयोडीन की अगर कमी हो जाए, आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो गई है उसकी वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो थायरॉयड हार्मोन है T3 T4 जो हार्मोन है उनको बनाने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता
आवश्यकता होती है। अगर हम प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं खा रहे हैं, आयोडीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। इसके अलावा थायरॉयड की किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, जैसे थायरॉयड को रिमूव कर दिया है या उसका पार्शियल पार्ट रिमूव करा है या टोटल थायरॉयडेक्टोमी हो गई है, उस कंडीशन में भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। या किसी प्रकार का कोई मेडिकेशन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई ड्रग चल रही है जिसकी वजह से जो थायरॉयड की फंक्शन है वो डिप्रेस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा जो एंटी पिट्यूटरी की बात करी, वो डैमेज हो गई है किसी कारण से, उसकी वजह से भी हो सकता है। हमारी थायरॉयड ग्लैंड में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, किसी प्रकार की कोई मैलिग्नेंसी हो गई है, उसकी वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। कॉन्जेनाइटली अगर हमारी थायरॉयड ग्लैंड में कोई डिसफंक्शन है या फिर थायरॉयड ग्लैंड प्रॉपर बनी नहीं है, एजिनेसिस हो गई है थायरॉयड ग्लैंड की, उस कंडीशन में भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स की, साइन और सिम्टम्स की, हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर हमारे शरीर के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाए। तो दोस्तों सबसे कॉमन हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है कि हमारे हेयर फॉल होने चालू हो जाते हैं, हेयर की जो थिकनिंग है यानी कि जो मोटापा है वो कम हो जाता है, हेयर जो है वो एकदम थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलती है। साथ में वेट गेन, बहुत ज़्यादा शरीर का वजन बढ़ने लगता है, एकदम बहुत तेज़ी से वजन बढ़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। बहुत ज़्यादा थकान रहती है, स्लीपलेसनेस रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्लीपीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है और साथ में बहुत ज़्यादा थकान होती है, शरीर में एकदम वीकनेस ही लगी रहती है, एकदम लेथार्जी पर रहता है शरीर में दोस्तों। इरेगुलर पीरियड रहते हैं फीमेल्स के, जो स्किन है वो एकदम ड्राई रहती है, एकदम स्किन जो है एकदम ड्राई रहेगी और इचिंग होगी बॉडी में। वॉइस कई बार चेंज हो सकती है पेशेंट की, कई बार हमें वॉइस भी चेंज देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसके अलावा कोल्ड, बहुत ज़्यादा हमें कोल्ड फीलिंग, मतलब कोल्ड बहुत जल्दी लगता है, इजीली कोल्ड को कैच करने लगते हैं जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म रहती है, उन लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ब्रीथलेसनेस होती है, जैसे थोड़ा सा काम करा, थोड़ी सी थके और साथ में ब्रीथलेसनेस होना चालू हो जाती है दोस्तों। बॉडी एकदम थकी थकी सी रहती है, सिल्किस रहती है, एकदम ट्रायड रहती है बॉडी। साथ में नेल्स की अगर हम बात करें तो नेल्स ब्रिटिल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और नेल्स में एकदम लाइनिंग बन जाती हैं, ग्रूव्स बन जाती हैं। इसके अलावा जो फ्लूड है उसका रिटेंशन होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से इडीमा देखने को मिलता है बॉडी में, पिटिंग टाइप का एकदम इडीमा मिलेगा, बहुत ज़्यादा इडीमा डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें कई बार हमें मेमोरी लॉस भी देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन पावर प्रॉपर नहीं बन पाती जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम रहती है, सेक्स करने की इच्छा नहीं हो पाती है, डिक्रीज हमें लिबिडो देखने को मिलता है ना, लॉस ऑफ हमें सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं, हमें हार्ट से रिलेटेड कई हमें परेशानियाँ देखने को मिलती हैं जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसके अलावा हमें गॉइटर देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें कई और प्रकार की मेंटल इलनेस देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें ओबेसिटी देखने को मिलती है, हमने बात करी कि इसमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है यानी ओबेसिटी देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है हमें जिन लोगों को अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म उनके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा हमें मिक्सडीमा देखने को मिलता है, मिक्सडीमा की भी कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं, देखिए इसके लिए अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। देखिए इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में हम नॉर्मल थायरॉयड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, यानी कि T3 T4 और TSH का लेवल टेस्ट करवाते हैं। TSH की अगर हम नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0.3 से लेकर लगभग 5 तक रहती है, 0.3 टू 5 अप्रॉक्स रहती है लगभग इसकी जो वैल्यू है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों आपके जिस भी मेडिसिन से इसके लक्षण मिलते हैं आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाइयां हैं थायराइड के लिए। देखिए अदरपैथी की अगर हम बात करें, विशेषकर अगर हम एलोपैथी की बात करें, जिन लोगों को एक बार थायराइड डिटेक्ट हो जाता है हाइपोथायराइड, उन लोगों के लिए लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं और अगर आपके कॉज अगर प्रॉपर डायग्नोस हो जाए और अगर आप पर्टिकुलर एकदम
इनिशियल स्टेज में अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इवन कई केस में तो काफ़ी पुराने केसेस भी ठीक हो जाते हैं और आपको लाइफ में दोबारा मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि दोस्तों एलोपैथी की अगर हम खासकर बात करें तो वहाँ पे एक बार अगर किसी को डायग्नोस हो गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उन्हें जीवन भर टैबलेट लेनी पड़ती है। स्टार्टिंग 25 mg से होती है, फिर धीरे धीरे 50 mg 100 mg तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। धीरे धीरे मेडिसिन की जो एमजी है वो भी बढ़ती चली जाती है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हैं दोस्तों तो आपको एलोपैथी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी लेना चालू करते हैं तो दोस्तों आपकी थायराइड ग्लैंड पूरी तरीका से ठीक हो जाएगी और आपको जीवन में कभी भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है थायरोडिनम। दोस्तों थायरोडिनम मेडिसिन को आपको 200 पावर में यूज करना है। आप इसको किस कंडीशन में ले सकते हैं? अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी है, साथ में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कोल्ड के लिए, कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा चलती है, थोड़ा सा भी ठंडा खा लिया, उसके बाद आपको सर्दी हो जाती है, ईजिली आप ठंड को कैच कर लेते हैं। साथ में आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, जब से आपका थायरॉयड डायग्नोस हुआ है आपको पता चला है कि आपको थायरॉयड है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका बहुत जल्दी वेट गेन हो रहा है, ऐसे केस में दोस्तों आप थायरोडिनम ले सकते हैं। साथ में आपको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, साथ में आपको मीठा खाने की इच्छा होती है और आपको चेस्ट में पाल्पिटेशन फील होती है, आपको जो सीना है, दिल है, वहाँ पे एकदम धक धक फील होता है, पाल्पिटेशन आपको फील होती है दोस्तों। ऐसे केस में आप थायरोडिनम 200 पावर में सुबह सुबह 2 बूंद रोज लगातार कंटिन्यू आप कुछ महीनों तक लेंगे और आप देखेंगे कि आपके थायरॉयड हार्मोन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों कैल्केरिया कार्ब। दोस्तों कैल्केरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है, अगर आप फेयर हैं, फैटी हैं और फ्लैबी हैं, साथ में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कैल्केरिया कार्ब ले सकते हैं। साथ में आपकी जो टेंडेंसी है वो ओबेसिटी की टेंडेंसी, आप बहुत जल्दी मोटे होते हैं, साथ में आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, जैसे आप थोड़ा सा काम करते हैं, काम करने के बाद जब थोड़ा सा चल लेते हैं उसके बाद एकदम थक जाते हैं, साथ में आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और आपकी जो हाथ पैर हैं वो एकदम ठंडे रहते हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हैं आपकी, और आपका जो प्रेस्पिरेशन है वो एकदम बहुत ज़्यादा प्रेस्पिरेशन होता है और आपकी बॉडी एकदम खट्टी खट्टी स्मेल आती है आपकी बॉडी से तो इस केस में। और साथ में आप जो है फॉरगेटफुल हैं, आप चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आप प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, आप रेटलेस मतलब रेटलेसनेस रहती है आपको, और साथ में आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे केस में दोस्तों आप कैल्केरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप किस कंडीशन में लेंगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है शरीर में और आपकी जो ग्लैंड है वो इलार्ज हो गई है, यानी उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और साथ में आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है और आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा गर्म खाना खाएं, गरम ड्रिंक पिए, यानी कि हमेशा गरम चाय पिए, और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपके पेट में गैस बनती है और आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम वो शाम के टाइम बढ़ जाती है दोस्तों, और आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं, आपके साथ में हेयर भी फॉल हो रहे हैं और साथ में आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हैं और फिजिकली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं दोस्तों, ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की प्रॉब्लम्स तो ठीक हुई है, बाकी भी सारे सिम्टम्स ठीक हो गए हैं। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा। दोस्तों थूजा आप किस कंडीशन में यूज करेंगे? दोस्तों अगर आपको का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, साथ में आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, साथ में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अलावा आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। देखिए जो थूजा की बात करें, ये थूजा जो है वो आपके हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करती है, यानी कि ये बॉडी के सारे हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए थूजा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। साथ में आपके जो नेल्स हैं वो ब्रिटल हो गए हैं, टूटने लगे हैं दोस्तों, और साथ में आपको इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, आपकी जो स्किन है वो एकदम ड्राई है, आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट्स बन गए हैं, यानी कि आपको मेलाज्मा हो गया है, इन सारी कंडीशनों में आप थूजा मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम सुपरफिशियली अगर हम बात करें कि आप किस किस मेडिसिन को ले सकते हैं, दोस्तों आपको
थूजा आपको 200 पावर में लेना है, 200 पावर में आपको रात को सोते वक्त लेना है दोस्तों। हमने अगली बात करी थी कौन किस किस मेडिसिन की बात करी दोस्तों, दोस्तों अगर हम शॉर्ट में अगर हम बात करें कि आपको मेडिसिन कैसे लेना है, तो दोस्तों आपको दोस्तों अब हम बात करते हैं थूजा मेडिसिन। चुप रहे ना, चांदनी यार तू दिमाग वो मत करवाए। थूजा अगली मेडिसिन है दोस्तों, थूजा थूजा एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। थूजा आप किस कंडीशन में लेंगे, अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं और साथ में आपका वेट गेन हो रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है दोस्तों, और साथ में आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। देखिए थूजा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ये आपके हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करती है। अगर साथ में आपके ब्रिटिल नेल्स हो गए हैं, नेल्स टूटने लगे हैं, ब्रिटिल हो गए हैं, और साथ में आपको इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, आपकी स्किन एकदम ड्राई हो गई है, और साथ में आपके फेस पे मेलाज्मा हो गया है यानी कि ब्राउन स्पॉट्स हो गया है, ऐसे केस में दोस्तों आप थूजा 200 पावर में रात को सोते वक्त लेंगे दोस्तों। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें कि आप कैसे मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों, आपको रात को सोते वक्त थूजा लेना है, और रात को सोते वक्त थूजा 200 पोटेंसी में 2 गुण डाइट जीप पे डालना है। मॉर्निंग में आपको थायरोडिनम 200 पावर में लेना है, और दिन में 3 बार आपको कैल्केरिया कार्ब लेना है दोस्तों। अगर आपको गैस के सिम्टम्स नहीं है या लाइकोपोडियम के सिम्टम्स नहीं मिलते हैं तो आप लाइकोपोडियम को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके इसके अलावा आपके जिस भी मेडिसिन से सिम्टम्स मिलते हैं आप वो मेडिसिन ले। दोस्तों हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि देखिए होम्योपैथी में हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत सारी मेडिसिन से हम यहाँ पर सिर्फ कॉमन मेडिसिन बताते हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जो यूज की जाती हैं दोस्तों, जो कि आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं तो आप उनसे मिलकर जरूर ट्रीटमेंट लें दोस्तों। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।